दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ मैच हारने के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी निराश दिखाई दिए। डेविड मिलर इस मैच में नहीं खेल रहे थे और उनकी टीम की हार के बाद वो उनके साथी खिलाड़ी डगआउट में मायूस थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लिए ये जीत भी काफी अहम थी। अगर साउथ अफ्रीका इस मैच में जीत जाती तो सीधा आसानी से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती, लेकिन उसे अब अपना आखिरी मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ जीतना बहुत जरूरी होगा। लेकिन हमेशा ही साउथ अफ्रीका आईसीसी इवेंट में चौकर साबित हुई है, कभी बारिश की वजह से चूक जाती है तो कभी अपनी गलतियों की वजह से। पाकिस्तान के खिलाफ साउथ अफ्रीका की जीत काफी जरूरी थी, लेकिन इस मैच में भी 185 रनों के टारगेट का पीछा करने होती साउथ अफ्रीका को बारिश का शिकार होना पड़ा, और बारिश होने के बाद उन्हें 30 गेंदों में 73 रनों की जरूरत थी, और यहां से साउथ अफ्रीका डकवर्थ लुईस नियम के तहत 33 रनों से हार गए। अब इसके बाद साउथ अफ्रीका को अगला मुकाबला नीदरलैंड से जीतना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर उसमें भी बारिश हुई या साउथ अफ्रीका चूकी तो साउथ अफ्रीका को इसका बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। बाकी दोस्तों, आपकी राय में सेमीफाइनल में कौन सी दो टीमें पहुंचेंगी?